सो गैज़ आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आ रहा है सारे ट्रेनिंग प्लान्स के साथ. सो गैस वॉट, अंकुर शर्मा जो हमारे मिस्टर यूनिवर्स, इनका मैंने इंटरव्यू भी करा हुआ है 2-3 बारी, अब उन्होंने भी अपना ट्रेनिंग प्लान शेयर करा है. कैसे वो श्रेडेड रहते हैं, ये कैसे एथलीट हैं जो 15 से 20 साल से कंडीशन में हैं, और वो ऐसा क्या करते हैं, क्या डाइट फॉलो करते हैं, क्या सप्लीमेंट लेते हैं और क्या उनकी रूटीन है, उन्होंने वो शेयर करा है. बहुत बेसिक जिसे कहते हैं ना सप्लीमेंट स्टैक रहता है इनका 12 महीने, और वो सब कुछ शेयर कर रहे हैं. ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या होती है, किस तरीके से वो ट्रेनिंग करते हैं, सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव ई बुक जो मैंने यहाँ डाल रखी है. आपको करना कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्वाइप अप एंड चेक इट आउट. ये सीधा डायरेक्ट एक्सेस है आपको, बस आपने ई मेल देना और वो आपको सीधा वहाँ पर ले जाएगा. सो इन्जॉय इट एंड स्वाइप अप. तो ये मुनाफ भाई की टॉप नॉच कंडीशन है, क्या क्या व्यू चल रहा है आपका, बॉडी फैट परसेंटेज क्या है? 5-6% बॉडी फैट है आप देख सकते हो. लेकिन मुनाफ भाई की खुशी भी है, खस भी रहे हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा भूख में नहीं है, अच्छी इनकी डाइटिंग रही है. तो अब देखते हैं ये वेइंग होता कैसे है. आई वॉन्ट टू सी दैट, और आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि वेइंग में होता कैसे. तो यूजली इंडिया में जो वेइंग है वो जिम्स में होता है. कॉम्पिटिशन अगर स्टेडियम है तो वेइंग आपको एक जिम में मिलेगा जिसमें सारे एथलीट आएंगे. पर यहाँ पे बिकॉज द रिस्पेक्ट वेट्स, आप देखेंगे यहाँ सारी चप्पलें उतरी हुई मिलेंगी. बिकॉज वेइंग में स्पेशली उनको सिर्फ उनका वेट देना है, उनसे उनमें सिर्फ उनमें अंडरगारमेंट्स होंगे, उन पर कुछ नहीं होगा. बस अब देखते हैं अब इनका वेट कितना आता है और ये क्या प्रोसेस है, लेट्स गो एंड फाइंड आउट. तो जैसे ही ये अपने शूज़ उतारेंगे यहाँ पे इनको एक मिलेंगे एक ऑफिशियल जो इनको देंगे इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि उनको अपनी डिटेल्स भरनी है फोटोग्राफ के साथ. आप देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ये इनको फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें सारे इनके डिटेल्स होंगे किस कैटेगरी में खेल रहे हैं. ये फॉर्म भरने के बाद इनको फिर जाना होगा नेक्स्ट स्टेप पे, वो होगा वहाँ पे उनकी फीस देनी. सो लेट्स डू स्टेप 2 नाउ. जैसे ही हमारे पार्टिसिपेंट एप्लीकेंट ने वेट अपना फॉर्म भर लिया तो ये इन ऑफिशियल्स को देंगे जो इनका आपको देख सकते हैं इनके बैक पे इनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के इनका क्या है वो दिया जाएगा, और फिर इनका पता चल इनके वैलिडेट किया जाएगा इनकी एज और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पर वो चेक होगा, यहाँ पर वो देखने के बाद कि वो डिटेल्स एक्यूरेट हैं या कितने सब कुछ हैं, यहाँ से बाद वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. इस स्टेप पर ये देखेंगे सब कुछ डिटेल्स और यहाँ पर दी जाएगी इनको रजिस्ट्रेशन फ़ी. यहाँ पे एंट्री फीस, राइट, यहाँ पे एंट्री फीस है. तो यहाँ पे देंगे एंट्री फीस और यहाँ पे फिर ओके की स्टैंप लगेगी. यहाँ जो आगे जाएगा यहाँ पे जो अगर जूनियर है तो जूनियर के लिस्ट में उसका नाम जाएगा, मैन फिजिक है तो मैन फिजिक में, और सीनियर है तो सीनियर में, तो उसका पूरा नाम उसका कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में फिर आगे जाएगा. तो यहाँ मैं देख रहा हूँ इनको सीनियर दिया हुआ है, राइट, टेक पार्ट इन सीनियर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पे इनका सीनियर है देख सकते हैं, तो यहाँ पे सीनियर गया और ये इनका फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्म का फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर के बाद में कैंडिडेट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, वो सब डाल लिया जाएगा. इसके बाद में आगे जाएगा उसको ट्रंक नंबर मिलेगा. तो यहाँ के बाद इसका डिटेल्स बैकेंड में इनके फिल हो गए, यहाँ से इनको मिलेगा इनका ट्रंक नंबर जो इनको दिया जाएगा इस मैडम के थ्रू. तो यहाँ पे इनका आ गया ट्रंक नंबर, ये इनको मिल गया. अब ये वेइंग के लिए तैयार है, अब इनको दिया जाएगा वेट. यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे इनको इनके कपड़े उतारे जाएंगे, उनका वेट देखा जाएगा. सो रजिस्ट्रेशन के बाद जब इनके सारे डिटेल्स, इनका डेट ऑफ बर्थ सब ले लिया, इनको ट्रंक नंबर मिल गया, अब एक्चुअली में इनका टेस्ट शुरू होता है जब इनको वेन करा जाएगा, इनका एक्चुअल वेट चेक करा जाएगा. तो वेट चेक करने के लिए ऑब्वियसली इनको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे. तो ये एरिया वो है जहाँ पे वेइंग मशीन दिखेगी आपको यहाँ पे, और यहाँ पे वेइंग मशीन के साथ साथ आपको ऑफिशियल्स दिखेंगे जो इनका वेट चेक करेंगे बेसिस कि इनका जो वेट है ये उस कैटेगरी में खेलेंगे. सो अब मुनाफ भाई की बारी आ गई है कि वो अपने कपड़े उतारे, अपना वेन दें. Thank you.
तो ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स ये देंगे ऑफिशियल्स को, वो फिर वैलिडेट करेंगे इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे। वैलिडेट करने के बाद इनका डेट ऑफ बर्थ सब दोबारा देखा जाएगा, सब कुछ करेक्ट है, एक्यूरेट है। बेसिस दैट अब देखा, इन्होंने उनको वेट बताया कितना है, और वेट के बाद इनको वो कैटेगरी असाइन हो जाएगी जिन कैटेगरी में ये खेल रहे हैं। सो मुनाफ भाई, वेट तो दे दिया आपने, तैयारी कल के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे करते क्या हो तुम? मैं जिम मैनेजर हूँ, एग्जाम्पल जिम के अंदर। जिम मैनेजर हूँ तो कब से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो? आफ्टर 8 इयर्स। 8 इयर्स? 8 इयर्स। 8 साल अभी क्या है तुम्हारी? अभी 23। 23 मतलब 15-16 साल के मुझे बॉडी बिल्डिंग कर रहे? जी बिल्कुल। और ऐसी कंडीशन रखते हो? हाँ जी, हर साल ऐसी कंडीशन। तो इससे बेटर जाती है, और इस बार बेटर नहीं है? बेटर है, बट इससे ज़्यादा बेटर उस बार जाती है, और एक महीने बाद इससे बेटर और हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या करते हो भाई? मेरा एक्चुअली प्रोटीन डाइट ही रहता है, वो कंपटीशन के बाद जो क्लास के 4-3 मंथ रहते हैं, प्रोटीन डाइट पे, या तो फ्रूट एंड प्रोटीन है। क्या खाते, क्या क्या यार तुम? एग एंड फ्रूट्स, ब्रोकली, पालक एंड दिस। क्या क्या मतलब क्या डाइट रहती है तुम्हें बताओ? कंपटीशन से एक महीना पहले क्या क्या खाते? कंपटीशन के एक महीना पहले जैसे मेरे लीन गेम मिल गया, 35 eggs होते हैं। 35 eggs? जी। बॉइल्ड eggs? बॉइल्ड eggs, सिर्फ वाइट। और पालक, ब्रोकली एंड फ्रूट, पपीता, पाइनएप्पल एंड एप्पल। चिकन वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं। चिकन भी नहीं? ऐसा क्यों? चिकन में थोड़ा फैट होता है, मेरा वेट का थोड़ा कंडीशन रहता है, इसलिए मैं एक प्रिफर कर रहा हूँ। मैं एक खा पाता हूँ तो एक जितने ज़्यादा एक हो से कितना खा सकते हैं। क्या बात है, मतलब तो सिर्फ एक महीने, एक महीने कितने दिन कंडीशन रहती है तुम्हारी? एक महीना तुम सिर्फ फ्रूट और एग्स, एग वाइट्स पर रहते हो? हाँ, और ये बार मेरा कम से कम 4 महीना फ्रूट और एग पे होगा। इस बार 4 महीने? हाँ। तो मैं तुम पर काम करती है डाइट? बिल्कुल। तो गोल क्या है तुम्हारा, करना क्या मुनाफ लाइफ में? मुझे फिटनेस में आगे जाना है, और मुझे फिटनेस मॉडलिंग, बॉडी बिल्डिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है आगे जाके। तो अभी तुम कितने कंपटीशन खेल चुके हो? मैं अभी तक 2012 से लेके अभी तक कम से कम 15-20 से ज़्यादा। और क्या क्या तुम्हारी क्या क्या प्लेस रही है तुम्हारी? मिस्टर बड़ोड़ा कम से कम 6 बार बन चुका हूँ, गुजरात 3 बार, मिस्टर बड़ोड़ा जूनियर 3 बार, जूनियर गुजरात 2 बार, और टॉप 20 में इंडिया में सिलेक्ट हुआ। अच्छा, मेडल्स तो सारे तुम्हारे पास है, तो अब लाइफ की मैं सोचा गया कि फिटनेस में कुछ करना? जी बिल्कुल। इसमें घर पे सपोर्ट है तुम्हें? सबका सपोर्ट है। घर पे कौन कौन है? भाई, डैड, मॉम, ब्रदर, सिस्टर। तो तुमने बॉडी बिल्डिंग क्यों चूज़ करी अपना? बिकॉज पहले इतना क्रेज नहीं था, बट जैसे जैसे अपने आप को देखने लगा, अपने आप को फील कर लगा हाँ कुछ आ रहा है, तभी से वो चीज़ मिले। भाई से मुझे इंस्पायर मिला, इमरान से, उसी का ही सपोर्ट था मुझे, उसी ने यहाँ आज तक पहुँचा, उसी की बदौलत ही पहुँचा जो कुछ है। बड़े भाई हैं तुम्हारे? हाँ, बड़े भाई हैं। उन्होंने तुम्हें सपोर्ट करा? फुल सपोर्ट उसी ने किया। क्या बात है, और नज़र आ रही है यार, तो बात बताओ। जो उसके ड्रीम से उसने मेरे ड्रीम पूरे किया, जो वो पहुँचना चाहता था वहाँ पर उसने मुझे पहुँचाया आज। आपको सपोर्ट करा? जी। मैं नहीं कर पाया वो तू कर। हाँ, भाई तो ऐसे ही होते हैं, बड़े भाई तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई आ जाओ आप यार। तो मैं आपको अब इनके बड़े भाई से मिलाता हूँ, इमरान भाई, राइट? हाँ जी। तो ये हमारे इमरान भाई। तो इमरान भाई, आप तो बिल्कुल ही छोड़ के भाई के पीछे लग गए हैं। जी सर, मैं भाई को बहुत सपोर्ट करता हूँ, मुझे लाइक इसके बॉडी में एक चीज़ दिखती है कि ये बहुत आगे तक जा सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है एक दिन, और वो 110% होगा इंशाल्लाह वो एक दिन। और दूसरा, इसका डेडिकेशन बहुत है, और इसमें एक चीज़ है कि लाइक काफ़ी 4-5 महीने से कॉन्स्टेंट डाइट पे, हालांकि सब लोग डाइट पे टूट जाते ये टाइम पे, मार्च तक तो टूट ही जाते हर कोई, पर इसका एक फोकस है कि मुझे करना है और करना है। कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं रोज़ की? ये मॉर्निंग में 1 आवर्स कार्डियो एंड एप्स करता है, और रात को खुद मैं ट्रेन करता हूँ इसको, लाइक ट्रेनिंग देता हूँ। तो आप भी जिम में ट्रेनर ही हो? हाँ, मैं ट्रेनर हूँ, पर्सनल ट्रेनर। भाई ऐसे हो तो भाई तो छोटे भाई तो ऐसे हो ही जाते हैं। जी, जी। तो भाई का गोल तो बड़ा है, कह रहा है कि मैंने बस इंडिया के लिए खेलना है, तो आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो? लाइक फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, और ट्रेनिंग में इसको मैं सपोर्ट बहुत कर रहा हूँ, लाइक इसका पूरा डाइट से लेके इसका ट्रेनिंग से लेके मैं ही डिसाइड करता हूँ कि इसको क्या खाना है, क्या पीना है, और कितना स्लीप लेना है, और कहाँ पर ट्रैवलिंग करना है, कहाँ नहीं जाना है, इवन फ्रेंड की शादी में भी जाना है कि नहीं जाना, अगर जाते हो तो फिर खाना खुद का लेकर जाओ, इस तरह से सब
करता हूँ मैं इसके लिए। शादी के बारे में भी डिटेल्स हो गए इसको कि शादी में कैसे क्या कब क्या करना है? हाँ जी सर, 100% अगर शादी का भी इसका सोचा नहीं है अभी तो इसको बहुत आगे निकलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही नहीं होगा, अगर शादी कर लेगा तो थोड़ा गोल भी डाउन हो जाएगा इसका। पर ऐसा नहीं है, मतलब हर एक का अपना अपना होता है, बट अगेन बॉडी तो इसकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है। इस टाइम 4-5% बॉडी फैट पर खेल रहे हैं, उम्र भी इनकी छोटी है 23 साल की, मेंस फिजिक भी खेल रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग भी खेल रहे हैं। अपना इंस्टाग्राम हैंडल तो बता दो लड़कों को, अगर तुम्हें किसी को फॉलो करना है तो। इंस्टाग्राम पे Munaf92 अपना भी बता दो भाई आप। फिटनेस इमरान 07 दोनों का मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा हैंडल। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए और ऐसा बड़ा भाई चाहिए तो उनको टच करने आइए। अगर आपको शादी का बोल दूँ, नहीं शादी छोड़ो, अगर आपको ऐसी बॉडी चाहिए, कैसे करते हैं भाई, क्या करते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, तो हमारे मुनाफ भाई हैं। श्योर आपको कैसी लगी इनकी बॉडी ज़रूर बताएगा, बिकॉज ऐसी कंडीशनिंग जो है बहुत कम होती है इस लेवल पे आके कंडीशनिंग। हम श्योर आप तो खुश हो गए, नहीं चाहिए नहीं अभी भी आगे जाना है राइट। पर लास्ट ईयर से बेटर है इनकी बॉडी? सर बेटर तो है, पर इस बेस्ट नहीं बोल सकता क्योंकि इसका बेस्ट मैंने देखा हुआ है। इसका लास्ट ईयर बहुत बेस्ट था, लाइक लास्ट ईयर ऑफ लिया था, उसके पहले बहुत बेस्ट था, इस टाइम थोड़ा ऑफ कह सकते हैं, बाकी इससे कंडीशनिंग में आता है। और कोच तो ऐसा ही होता है, जो कोच कभी खुश नहीं होता है कि बेटर हो सकता है बेटर, लेकिन आई एम श्योर ये कंडीशनिंग भी टॉप नॉच है। थोड़ी एक बहुत हो जाए पोजिंग वो जबरदस्त। सुपर्ब कंडीशनिंग है यार, सुपर्ब कंडीशनिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, कंपटीशन खेल रहे हैं आई एम श्योर, कंट्री का नाम, सिटी का नाम, सबका नाम रोशन कर रहे हैं भाई। अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, तो आई एम श्योर आप आगे जाओगे।